फिर मैं यूट्यूब चैनल हर्षिता राय पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस मतलब काल और टेंस के टाइप। टेंस के टाइप कितने होते हैं हम लोग आपको बताते हैं। ये हम लोग के टेंस के टाइप है जरूरी कौन कौन से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ओके ये हम लोग के टेंस है के टेंस के टाइप है। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके भी फोर टाइप्स होते हैं। तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसका प्रेजेंट का कौन कौन सा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ओके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे जगह नहीं बची तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ओके तो हम लोग पास्ट का पढ़ते हैं। ये हम लोग पास्ट का है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये फ्यूचर का है फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका एक चार्ट आता है हम लोग आप लोग को चार्ट भी दिखा देते हैं गाइस। तो हम लोग आपको चार्ट दिखा देते हैं और अगली भी जो आगे पढ़ाई होगी ये सब सीखोगी इससे आप सेंटेंस बनाना भी सीख जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब उसकी पहचान क्या होती है। ता है ती है ते है ते है ता ती ते। तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है वो जैसे राम घर जाता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है क्या रहा है रही है रहे है रहे रहे है रहा है रही है रहे हैं। जैसे कि वह खेल रहे हैं तो वह खेल रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है चुका है चुकी है चुके हैं तो चुका है चुकी है वह नहा चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है रहा है रही है रहे हैं प्लस समय वह 5 घंटों से खेल रहे हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। और प्रेजेंट परफेक्ट का होता हैज है प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है सिंस फॉर हैज हेयर प्लस थर्ड फॉर्म। और अगली वीडियो में आपको थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म बताएंगे हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट का होता है या ये ई ता था थी थे थे ओके या ये ई ता था थी थे ओके। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है रहा था रही थी रहे थे ओके। और पास्ट परफेक्ट का होता है चुका था चुकी थी चुके थे। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है रहा था रही थी रहे थे ओके। और पास्ट इंडेफिनिट का होता है हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सेकंड फॉर्म। ये सब जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है वाज वेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हैड प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है सिंस और had been first form plus ing। future का क्या होता है future indefinite का gagige future continuous रहा होगा रही होगी रहे होंगे ओके। और future perfect का चुका है चुकी है चुके हैं। और future perfect continuous का रहा होगा रही होगी रहे होंगे ओके। तो और फ्यूचर इनडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है शैल विल फर्स्ट फॉर्म कॉन्टिन्यूअस शैल विल बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। और फ्यूचर परफेक्ट का होता है शैल विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है? सिंस फॉर शैल विल फर्स्ट हैव प्लस बीन, ओके, फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी होता है, ओके. ये चार्ट आप लोग को लिख लेना है, ओके. चार्ट आप लोग लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लिख के, ये बहुत ज़रूरी है, उसको आपको लर्न भी करना है. तो चलते हैं हम लोग इसका पढ़ाई करते हैं, ओके गाइज. ये तो हम लोग का एग्जाम्पल्स हो गया है, होमवर्क है, मैं बता देता हूँ आप लोग को कैसे करना है. ये वह खाना खा रहा था, मतलब कि आपको ये बता रहा है कौन सा है. तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट, ओके, इंडेफिनिट. आप लोग को ऐसे पूरा लिखना है कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है. वह 5 घंटों से गुड़ियों के साथ खेल रही है. कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ओके, कॉन्टिन्यूस जो जो हार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ओके, परफेक्ट है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ओके. क्योंकि इसमें समय की बात हो गई. वह 5 घंटों से गुड़ियों के साथ खेल रही है, ओके. आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा. बाय बाय, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल.